चलाओ। पीछे आओ। पीछे आओ जी। और सॉरी, जो मैं क्लिप दिखाई है ना, वो मुहर्रम के 7वीं तारीख के दिन है ना, वो कुछ अलमे-अलमे बोल के ऐसा कुछ लेके जा रहे थे। बट मैं तो नहीं मानती हूँ, ये सिर्फ रोज़ा रहना यही हमारे लिए काफ़ी है। मतलब हमको बचपन से यही सिखाए। वो अलमे, वो अलामा, वो ये कुछ भी मैं नहीं जानती, सॉरी। और यहाँ पर है ना, मैं है ना कुबूली बना रही हूँ, तो मतलब कुबूली भी बना के बस ऐसे ही खा लेते हैं कि फातिहा वो ये कुछ भी नहीं, कोई किसी को दे देते हैं, बस उनके नाम पे, हसैन हुसैन के नाम पे किसी को दे देते हैं बस। मैं जब दाल भिगाई थी ना, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी, और साथ ही है ना बारिश के साथ में है ना चाय का मज़ा ही कुछ और होता है। तो मैं है ना चाय भी बना ली थी। बारिश हो रही है और चाय का भी बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त लगता है। और वहाँ पर है ना चूल्हे पर कुबूली बनाने के लिए है ना, मैंने चने की दाल को गलने के लिए चूल्हे पर चढ़ा कर रख दी। और देखिए दाल मैंने गलने के लिए रख दी थी, और थोड़ा ये देखिए 90% दाल गल गई थी। और यहाँ पर प्याज भी कट करके रख दी, और एक पैन चढ़ा दी मैं। अब इसमें है ना ऑयल गरम कर लेती हूँ। ऑयल गरम होने के बाद में है ना हम इसमें प्याज फ्राई कर लेते हैं। बिरयानी की प्याज जो बरिस्ता बनाते हैं ना, उस तरह से बरिस्ता बना लेना है। प्याज फ्राई, ब्राउन फ्राई कर लेने का है। तो उसके बाद चलिए झटपट से है ना हम कुबूली बना लेते हैं। ये कैसे बनाते हैं, एकदम सिंपल स्टाइल में बनाई हूँ मैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी और यमी बनी थी। इस तरह से आप लोग भी एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। और यहाँ पर है ना मेरे पास बासमती राइस था 1 किलो। तो है ना इसको एक आधे घंटे, जब मतलब अखनी, चने की अखनी बना रहे थे ना, तो मैं है ना चावल भिगा के रख दी थी। ये है ना मतलब बिरयानी वाला राइस नहीं था, जो रेगुलर जो बासमती आता है ना, वो वाला था। तो थोड़ा है ना ये छोटा वाला रहता, थोड़ा मतलब छोटा छोटा रहता। बिरयानी वाला है ना बहुत लंबा खिला खिला रहता, तो ये ज़्यादा खिला खिला नहीं बनता। बस रेगुलर जो चावल होते हैं ना, मेरे पास यही वाला रेगुलर चावल था। तो मैं इसी को 1 किलो चावल में भिगा दे रही हूँ। दाल भी है ना बस थोड़ी ½ किलो ही दाल ली थी मैं, क्योंकि जब ज़्यादा दाल भी आता है ना तो मतलब खाने में मज़ा नहीं आता। तो आप अपने हिसाब से दाल रख सकते हैं। यहाँ पर 1 किलो चावल की मैं कुबूली बना रही हूँ। तो है ना प्याज भी मैंने ब्राउन होने के लिए चूल्हे पर रख दी थी, और थोड़ा सा लाइट कलर चेंज हो गया है। प्याज ब्राउन वे तक है ना हम इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। एक जार में है ना मैं थोड़े से हरी मिर्च ले ली अपने टेस्ट के हिसाब से, जितना भी आप लोग स्पाइसी पसंद करते हो उतना। तो हरी मिर्च डालने के बाद कोतमीर पुदीना भी बारीक कट करके जो रखी थी मैं धो के वो भी डाल दी। और इसमें है ना हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला भी डाल रही हूँ मैं, 1 टी स्पून के करीब में है ना नमक डाल देते हैं। और छोटी दही की एक पैकेट मतलब क्वान्टिटी में, मतलब एक चाय के कप से 1 कप दही भी इसमें मैंने डाल दी। इसको है ना अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं और है ना मतलब एक पेस्ट रेडी कर लेते हैं। जो हम अखनी बना रहे हैं ना तो उसकी थोड़ी सी ग्रेवी बन जाएगी। यहाँ पर देखिए प्याज भी एकदम फ्राई हो गई थी, गोल्डन ब्राउन हो गई थी प्याज भी। तो यहाँ पर जो प्याज फ्राई करे थे ना वही ऑयल में है ना मैं दाल भी डाल दी, जो गली हुई दाल थी वो दाल भी डाल दी। और है ना मसाला जो हरी मिर्ची कोतमीर पुदीना वो पीस के रखी थी ना वो वाला पेस्ट भी डाल दी। और रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून डाल दी मैं, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर भी इसमें डाल देते हैं। उसके बाद में है ना अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें डाल देते हैं, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दी मैं इसमें। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। दाल को है ना 90% ही गलाना होता है क्योंकि थोड़ा सा अखनी में भी गल जाती है। और थोड़ा सा चावल दम पे लगाते हैं ना तो जब भी थोड़ा सा दाल गल जाती, ज़्यादा दाल गल गई तो कबूली अच्छी नहीं दिखती। और जो कोतमीर पुदीना मैंने कट करके रखी थी ना वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। यहाँ थोड़ा 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर मतलब सब्ज़ी मसाला जो होता है ना वो सब्ज़ी मसाला डाल दी थी। और जब भी मेरे पास लेमन ज़्यादा आता है ना तो ख़राब होने के चांस दिखे तो है ना मैं उसका रस निकाल के फ्रीज़ करके रख देती हूँ। तो 4 क्यूब्स लेमन के भी मैंने लेमन राइस के 4 क्यूब्स डाल दिए। और जो प्याज फ्राई करके रखे थे ना वो वाली प्याज भी हम इसमें डाल दिए। तो चलिए देखिए हमारी कबूली की अखनी जो है ना एकदम रेडी हो गई है। तो इसको थोड़ा 5 मिनट के लिए ढककर पकने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए 5 मिनट हो गए थे, एकदम अच्छे से खुशबू भी आने लगी थी और सूप भी ड्राई भी हो गई थी अखनी। और अखनी रेडी होने के बाद में है ना मैं अधन चढ़ा दी थी चूल्हे पे। थोड़ा पानी है ना मैं बाजू चूल्हे पे रखी थी कि मतलब गर्म होने अधन के लिए। तो इसी में है ना मैं जब अखनी बन गई थी तो चूल्हे पे से इस पे ट्रांसफ़र कर दी मैं। और है ना इसमें 1 टीस्पून शाह जीरा डाली मैं, 2 से 3 लौंग डाली थी। और है ना 1/2 बोले तो फूल आता है ना वो वाला फूल डाली थी, 3 तेज़पत्ता डाल दी थी, तेल डाली थी और है ना नमक भी डाल दी थी अधन में ही। तो बस इसके बाद में है ना चावल को अच्छे से पकने देते हैं। फर्स्ट लेयर जो चावल डालते हैं ना तो हम उसको है ना 70% तक ही कुक होना चाहिए क्योंकि जब हम अखनी वो ये सब डालते हैं ना पूरा 90% पका हुआ रहेगा ना तो नीचे वाले चावल एकदम से ज़्यादा गल जाएंगे। तो है ना मैं नीचे जो लेयर लगाते हैं ना उसको है ना 70% ही पकाऊँगी। ये देखिए चावल भी मतलब मेरे अच्छे खिले खिले बन रहे, मैं नहीं एक्सपेक्ट करी थी कि इतना अच्छा खुला खुला चावल बनेगा। ये देखिए मैं है ना दूसरे भगोने में है ना अखनी मतलब दम देने के लिए थोड़ा खुला वाला भगोना ले ली। जो 70% चावल पके थे ना उसकी एक लेयर लगा ली मैं। उसके ऊपर से है ना जो अखनी थी ना वो चने की अखनी जो थी ना वो अखनी भी एक लेयर लगा ली। उसके बाद में फिर एक लेयर चावल की डाली मैं। इस तरह से दो लेयर लगा के मैं है ना अखनी एक और चावल की एक लेयर ऐसे डाल के है ना बस पूरे चावल को एक साथ डाल दी मैं। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से आप लोग डाल सकते हैं। इसके ऊपर से है ना जो बाकी का चावल बचा हुआ था ना, मतलब ये लगाने के टाइम पे है ना मैं चूल्हे को ऑफ़ नहीं करी थी, जो चावल थे उसको पकने ही दे रही थी, तो है ना बाकी के चावल को भी मैंने ड्रेन कर लिया। तो है ना ऊपर वाले जो चावल थे ना 80% कुक थे, 20% वो दम में हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पूरे अच्छे से डाल दी मैं। ऊपर से है ना जो प्याज फ्राई करके रखे थे ना वो प्याज भी डाल दी, हरा धनिया कोथमीर भी डाल दी, और थोड़ा सा वन पिच दो लेमन का रस भी डाल दी थी, और ऑयल भी डाल दी इसके ऊपर से। और है ना थोड़ा सा दूध में है ना ज़ाफ़रान कलर डाल रही हूँ मैं, ज़ाफ़रान नहीं डाल रही हूँ, ज़ाफ़रान फूड कलर जो आता है ना वो फूड कलर डाल रही हूँ। दूध में मिक्स करके डालने से कलर एकदम बेटर अच्छा अच्छे से आता है, तो मैं है ना दूध में मिक्स करके डाल दी थी। और है ना थोड़ा सा 2 चुटकी के करीब गरम मसाला ऊपर दम पे से लगा रही हूँ, क्योंकि इसकी अच्छी सी महक अच्छी सी खुशबू भी आ जाती है। तो चलिए यहाँ पर दम होने के लिए छोड़ दी मैं। जो मेरा है ना नॉन स्टिक का जो ढक्कन लिड है ना वो वाला उसको होल है, तो मैं नींबू का छिलका उस पे लगा दी। और ये है ना मारिया के स्कूल में है ना लेसन था, मतलब मारिया के EVS में लेसन था कि रैबिट बनाना बल्कि, तो रैबिट बनाए। ये देखिए अच्छा लग रहा है ना। और यहाँ पर हमें ना हमारी कबूली भी एकदम रेडी हो गई थी। तो चलिए मैं आपको इसकी डिश आउट करके दिखाती हूँ कि किस तरह से बनी है। आप लोग भी इस तरह से एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, बना सकते हैं। जो भी कुकिंग में मतलब फेल है, मतलब कुकिंग करने से बहुत ज़्यादा आलसपन आता है, वो लोग के लिए है ना एकदम इजी मेथड में मैं आप लोग को रेसिपी बनाकर दिखा देती हूँ। और ये है ना टेस्टी भी होता है और एकदम इजी तरीक़ा भी मेथड भी होता है। कुछ लोगों को है ना कुकिंग करने के लिए मतलब आलस आ जाता है कि इतना लंबा कौन ठहरेगा किचन में, तो है ना इस तरह से आप लोग चलते फिरते भी है ना एक से एक अच्छे मज़ेदार रेसिपी बना सकते हैं। तो चलिए मैं ये डिश आउट करने के बाद में आप लोगों को टेस्ट करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से बनी थी। एकदम मतलब मिर्च नमक सब बराबर था, मैं बिल्कुल भी नहीं चखती हूँ, अंदाज़न से ही डाल देती हूँ, तो मतलब परफेक्ट आ जाता है। और है ना इसको थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं प्याज, हरा धनिया, नींबू और खीरे के साथ में। ये देखिए गार्निश कर दी मैं। और यहाँ पर देखिए एकदम खिले खिले बने हैं, मतलब नरम नहीं हुई थी बिरयानी कबूली, बहुत अच्छी लग रही थी। और चलिए टेस्ट करने की बारी है, टेस्ट करके भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। इस तरह से आप लोग एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छी बनती है। तो मैं है ना मेरा वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। जो भी लोग मेरे वीडियोज़ लाइक वॉच कर रहे हैं लाइक करें, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज़।